तो बहुत छोटा सा सवाल लिया था, ऐसा किया था हमने लोगों ने। ये एम्पल है और बिना ये नाम बताए हुए ये कंस्टेंट रिलेशन है। तुम लोगों ने कहा था इट गोज अप बाय डिस्टेंस x, देन इट विल कम डाउन बाय डिस्टेंस x, बिकॉज़ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल रिमेन। बच्चों इसको अगर मान लो ऊपर जा रहा है ना, so in that case अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे पहुंच गया है, इतना स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। एक्स्ट्रा इसको चाहिए, एंगेज होगा, इसलिए दोनों को हमने क्या लिखा? ये सिंपल था, ये बहुत इजीली तुम लोग समझ गए थे। तो पूछा भी नहीं था सर ऐसा क्यों, मैंने कहा ये ए से ऊपर जाएगा, तुमने कहा ए से नीचे। क्लियर? अब इसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, तो डिस्कस करें। सपोज ठीक, अगर मैं कहूँ बच्चों कि ये ना जा रहा है, सपोज x1 डिस्टेंस नीचे गया है, तो ये ऊपर x2 गया, सपोज क्या लगेगा बच्चों? दोनों x1 इज इक्वल टू x2 होगा या कुछ अलग होगा? 2x1। मुझे निकालना है, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। मैंने मान लिया कि ये नीचे आ रहा है, हमने एज्यूम कर लिया, ऊपर भी कर सकते थे, और इसको माना कि ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है। सो ये पोली यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है? तो बताना ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या रहेगा? अगर ये नीचे आया, दैट मींस वी नीड दिस मच एक्स्ट्रा स्ट्रिंग, एक्स वन प्लस एक्स वन। दिमाग लगाना है बच्चों, साइंस बहुत ही आसान है अगर हम सिस्टमैटिक वे से समझे तो। बताओ ये 2x1 चाहिए ना, और चाहिए तो कहीं कहीं तो रिलीज होगा, सो दिस विल गो अप, कितना से गया सपोज x2, x2 क्या इतना स्ट्रिंग पहले था, अब ब्लॉक यहां पहुंच गया, इतना रिलीज हो जाएगा, सो x2 क्या हो जाएगा? रिलीज, है ना? सो हम लोग कह सकते हैं 2x1 इज इक्वल टू, बोलो बच्चों क्लियर? एक सवाल ले क्या इस पे, तुम लोग बताओगे? देखना बच्चा, ऐसे हमने क्या किया, दो ब्लॉक और एक स्ट्रिंग से कनेक्ट है, देखो एक ही स्ट्रिंग है, दिख रहा है? तो मैं कहता हूँ बच्चों कि लेट्स कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है A1 से, और ये जा रहा है बच्चों A2 से, तो A2 इज इक्वल टू हाउ मच A1, तो इसमें क्या फिल होगा तुम्हें बताना है। ऑप्शन वन, ठीक है ना, वन, ऑप्शन टू टू, ऑप्शन थ्री थ्री, ऑप्शन फोर वन बाई थ्री, ऑप्शन फाइव ना, देखते हैं कौन कौन सा बच्चा बताता है। If it is goes down by expression A1, ये A2 सा रहा है, क्या और ये कुछ रट्टा मार्ग नहीं, सोचो कि ये तो सर आप नहीं भी पढ़ाते तो भी मैं बता देता, इतना आसान है। देखिए और टाइम,
जब एकदम विजुलाइज हो तो ऐसा नहीं एक तरह थॉट तो मैं बोल देता हूँ थ्री आ रहा है जब थ्री ए वन इज इक्वल टू ए टू इज इक्वल टू थ्री ए वन बच्चों ये अगर सपोज चला गया यहाँ पे नीचे यहां तक आ गया है ना तो ये पॉइंट भी नीचे आएगा ये भी क्वेश्चन कैसा होगा होगा कि नहीं तो ये जो आला नीचे जो ये एक्स वन इंगेज हुआ यहाँ एक्स वन इंगेज हुआ यहाँ एक्स वन इंगेज हुआ कितना इंगेज होगा पक्का दिख रहा है इंगेज या फ्री और अगर ये नीचे आला तो इतना कॉमन सेंस तो भगवान ये किधर जाएगा तो ये कुछ पहुंच गया यहाँ तो कितना फ्री हुआ ये लिख देंगे बी बी वन सी ए वन अच्छा ये विजुलाइज हुआ क्या कि मैं कह रहा हूँ कोई डेफिनेशन होगा पता ना यस यस ऐसा होगा समझना शानिका शानिका ना यस तो यहाँ पे थ्री पुट कर दो तो वैसे ये करने से हमें क्या फायदा एक से निकालने से क्या फायदा साथ में क्या सवाल भी कर लेते हैं इसमें ठीक है तो बोलो बच्चों एम वन का कुछ वैल्यू लिख दो केजी चार केजी कुछ बता कितना दो फोर केजी चलो एम वन का वैल्यू कितना लेते हैं फोर केजी और एम टू का वैल्यू बताओ और मैं कहूँ कि सिस्टम को अगर छोड़ दिया गया रिलीज कर दिया गया तो बताओ कि ये 4 केजी वाला ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा क्लियर 4 केजी वाला ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक 4 केजी डायग्राम को मैं फिर से बना लेता हूँ ये ब्लू कलर आपके सुन रहा है सर व्हाइट कलर बच्चों मुझे यहाँ पे निकालना ये है इसको छोड़ दिया गया तो क्या एक्सेशन होगा सिस्टम इज रिलीज
कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, एफबीटी ड्रॉ करना पड़ेगा। स्ट्रिंग एक है या दो तीन है, कितने स्ट्रिंग है? एक ही है, ये छोटा सा स्ट्रिंग है, तो ये ब्लू कलर का जो स्ट्रिंग है एक ही है ना, पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम टी रहेगा। तो लेट्स यहां पे टेंशन कितना है टी, यहां भी और यहां भी। ये देखो पुली को मान लो कि 4 kg में ही अटैच है, पुली को 4 kg मान लेते हैं ना, तो इसका एफबीटी ड्रॉ करते हैं, तो इतने का चलेगा। Yes. तो बताना टी ऊपर टी ऊपर टी ऊपर इस पे कितना फोर्स लग रहा है, और नीचे एक्सेलरेशन किधर है? यस, इसलिए बता 4g - 4a1 चलेगा ना। यस सर, ये खुद से लिख सकते थे कि नहीं? बहुत बड़े घर पे रिप्लाई कर रहे हैं। रितिका कौन सा कलर करूं बताओ, तुम्हारे कलर भी कर लेता हूं। तो थोड़ा और डार्क ब्लैक वाला, थोड़ा डार्क का बैकग्राउंड का अब देखो अभी तक कितने नोन से है, ध्यान रखना टी ए वन कितने नोन, इक्वेशन कितना लिखा है, एक और इक्वेशन चाहिए, कहां से आएगा, कंस्टेंट से आएगा, है ना, कंस्टेंट से, समझ पा रहा ना। सो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, ऑल्सो फ्रॉम कंस्टेंट रिलेशन अभी कहा था बच्चों, ये नीचे आ रहा, देखना स्ट्रिंग कितना x1 3x1 इंगेज x2 फ्री a2 इक्वल टू 3a1 या भी अभी जैसे डिस्कस किया था, a2 का पुट करते हैं यहां पे, यस, तो जाएगा 5 × 3 a1 हो जाएगा 15 p इक्वल टू, है ना। अब क्या करते हैं बच्चे, यहां से यहां पुट करते हैं, उससे बेहतर तो मैं ऐसे कहूंगा, ये t = जो 15 a1 है ना, इसमें क्या कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों करोगे 3 से, बिकॉज़ यहां माइनस 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ये 3t चला जाएगा, 4g = 4 + 45 + 49 a1 आ जाएगा बच्चों 40/49 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी का वैल्यू पुट कर दिया, बोलो सॉल्व हो गया कि नहीं। ये सवाल अगर हमें कंस्ट्रेंट नहीं होता, अगर दिमाग नहीं अप्लाई करते, मुश्किल हो जाता, एक इक्वेशन कम हो जाता। कंस्ट्रेंट का फायदा समझना है, जरूरत समझना है। इसमें क्या किया ना, ये देखो हमारे स्पीटी है ना, यहाँ प्लस टी है, तो क्या करते हैं इसमें, इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे, यहाँ प्लस 3t हो जाएगा, तो ये ऐड कर देंगे। तो मैंने क्या किया, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, तो क्या किया 1 + 2 × 3। तो फर्स्ट क्लास में तुमने पढ़ा है यार, पहला दूसरा वो भी यस बोल रहा है, पहला दूसरा पढ़ा था Thank you.
अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे बच्चों अभी तक एक ही स्टेट था, ठीक है ना, एक स्टेटमेंट का स्टेट दिला रहा है, थोड़ा सा इसको टफ करता हूं, ध्यान से देखना कितना इजी है, अगर समझोगे लगेगा तो बहुत आसान है, और तुम लोग ऑफलाइन में आते अच्छी बात है, समझ ज्यादा समझ में आए। इस दो स्ट्रिंग है, सिस्टम को रिलीज कर दिया, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, ऐसा कुछ होगा तो मान लेते हैं, किसी को भी मान सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द मास क्या है, कौन ऊपर जाएगा, बट अभी कोई भी मान लेते हैं, तो क्या करो, M1 को नीचे मान लो, M1 को मान लेते हैं नीचे, लेट्स A1 से जा रहा है, ठीक है ना, यानी ये नीचे पुल करोगे बच्चों तो ये पुली किधर जाएगा, पुली ऊपर जाएगा, ये पॉइंट फिक्स है, है ना, पुली को और M2 का रिलेशनशिप होगा, देखते हैं, चेक करते हैं कैसा होता है ना, चलो क्लियर। तो हमें क्या चाहिए बच्चों, A1 और A2 में बट हम लोग स्टार्ट कहां से करते हैं, X1 X2 से करते हैं, रिलेशन देखते हैं डिस्प्लेसमेंट का, तो क्या करते हैं इसको मान लेते हैं कि यहां से यहां आ गया कितना आ गया, X1 डिस्टेंस आ गया, X1 नीचे आ गया, दो स्ट्रिंग है तो पहले एक स्ट्रिंग पे कंस्ट्रेंट लगाते हैं, इसको स्ट्रिंग नंबर 1 मान लो और इसको स्ट्रिंग नंबर 2, सो कंस्ट्रेंट ऑन स्ट्रिंग फर्स्ट, constraint on string first, actually M1 अगर बच्चों X1 से नीचे आया है तो तुम लोग एकदम बिल्कुल को बताना, ये पुली ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, पुली ऊपर जाएगा, ऊपर, ये बताना पुली ऊपर जाएगा तो X1 से जाएगा या X1 से जाएगा, दिस इंप्लाइज विल गो अप बाय लिखो तुम लोग भी लिखो साथ साथ, पुली विल गो अप बाय बाय, क्योंकि हमने एम्बर कर लिया, अब क्या करें, टू पे लगा दूसरा प्रश्न, क्योंकि यहाँ से फ्री होना तो ऊपर जाके फ्री कर, नीचे आएगा तो और इंगेज होगा, ऊपर फ्री हुआ सपोज ये X2 गया ऊपर तो फ्री हुआ X2, क्या लिखो, X2 is equal to 2X1, A2 is equal to 2X1, कि ये अगर नीचे X1 से आएगा तो ये स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, X1 से ऊपर जाएगा, मैंने ऑलरेडी लिख दिया ना, अगर लिखना है तो X1 डैश सर, हाँ बोलो, अगर सेम स्ट्रिंग रही तो X1 ऊपर जाएगा तो X1 ही नीचे आएगा, और X1 ऊपर जाएगा तो X2 ही नीचे आएगा, और डिफरेंट स्ट्रिंग रही तो X2 लेंगे ना, पहले देखो ये सीधा सीधा एक ही स्ट्रिंग है ना, ऐसे ये अगर यहाँ पे नीचे आया तो ये यहाँ गया, यहाँ से स्ट्रिंग क्या होता है, उतना ही फ्री होगा जितना इधर इंगेज हुआ, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, अलग वेरिएबल लिख दिया,
थोड़ा सा दिमाग लगा दिया कि x1 को डायरेक्टली x1 ही लिख दिया, अदरवाइज x1 डैश लिखते और 1 x1 डैश को क्या लिखते हैं, इज इट क्लियर? यस सर। अब हमने डिस्कस कर लिया कि ये x1 ऊपर जा रहा है, ये कुछ अलग जाएगा, तो इसको मान लिया है कि x2 है, यहां से x1 इंगेज हुआ, यहां से x1 इंगेज हुआ और यहां से x2 फ्री हो गया, ठीक? यस सर। दूसरा सवाल लेंगे, एक और बता देता हूं मुझे, देखते हैं इस बार तुम्हारा दिमाग काम करता है। तो बच्चों स्ट्रिंग का कलर भी अलग कर दिया, एक वाइट कलर का है और ब्लू कलर का, अब तुमने क्या माना था, एम1 को क्या माना था, ऊपर या नीचे? सपोज ये a1 से नीचे आ रहा है, ये a2 से ऊपर जा रहा है, सो बच्चों का रिलेशन बिटवीन दिस टू, बच्चों यहां पे दिमाग लगाना, देखते हैं कितने बच्चों का दिमाग चलता है। A2 is equal to 2A1. A2 is equal to 3A1. बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वाले ज़्यादा रिस्पॉन्स हैं। 3A1 आ रहा है क्या सर? सर 3A1 है ना? 2A1 है सर। सर A2 2A1. is equal to 2A1 आ रहा है सर। सबसे पहले ये स्ट्रिंग 1 पे कंस्ट्रेंट लगाता हूं, 1 पे चलेगा, अगर ये ब्लॉक सपोज x1 से नीचे आया है ना, क्या है x1 से नीचे, सो ये पुली x1 से ऊपर जाएगा, इसको अगर नीचे पुल किया तो इसकी बात करो इस स्ट्रिंग का, ये नीचे आ रहा है, ऊपर जाएगा, पुली कितना से ऊपर जाएगा, x1 डैश लिखने की जरूरत है क्या, x1 मान लेते हैं, इतना तो कॉमन से डायरेक्टली एक स्ट्रिंग, इस ब्लॉक को पुली पुल किया तो ये ऊपर जाएगा पुली, और कंस्ट्रेंट किस पे लगा रहा है, इस वाइट स्ट्रिंग पे, दिख रहा है, दिख रहा है। अब बच्चों अब क्या करें, सर वो दूसरी स्ट्रिंग का, यस सर, सेकंड स्ट्रिंग का देखना कहां का होगा, मैं दूसरा कलर ले रहा हूं, कौन से ले लूं, येलो ले लूं, ठीक है ना, देखो बच्चों ये ब्लू कलर जो है ये पॉइंट यहां पे है या ऊपर गया नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, क्या है, और एक x1 x1 यस। अच्छा बताना ये पॉइंट किधर गया है, तो देखो यहाँ भी स्ट्रिंग और यहाँ भी थ्री एक्स वन स्ट्रिंग, क्या हो रहा है, इंगेज या फ्री, इंगेज में नीचे आ रहा है, जरूरत है ना, क्या है, इंगेज हो रहा है, और ये बच्चों नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ से इंगेज हो रहा है, इसको फ्री होना पड़ेगा, तो क्या होगा, ये x2 फ्री होगा, x2 फ्री हुआ, 3x1 इंगेज हुआ, ये दोनों इक्वल हो जाएगा बच्चों, तो a2 = 3a1, यस सर, तो ये कहानी समझ में आई पूरी,
ठीक है, बोलो बच्चों ये सबको समझ में आया? पता करते हो सुन रहा हाथ पर तो ऐसा है इस पोजीशन में वहां पर वो दो एक्सपेरिमेंट्स है। हां ये तो बात देखो, ये जो ब्लू कलर है ना, तो अभी जब पूली यहां पहुंच गया तो कैसा होगा ये स्ट्रिंग? ऐसा होगा ना, इधर भी स्ट्रिंग चाहिए इधर भी चाहिए, इसलिए तो आई बात ये जो स्ट्रिंग ये पूली यहां पहुंच गया ऊपर गया तो स्ट्रिंग ऐसे ही रहेगा ना, ये एक्सपेन और से नीचे गया तो ये एक्सपेन से ऊपर गया, इसलिए स्ट्रिंग वन पे ही तो कैस्टिंग लगा देते हैं, स्ट्रिंग वन पे ही लगाना कैसे? बच्चों रेडी नेक्स्ट सवाल के लिए? देखते हैं ये कौन बच्चा करता है। वो तो डिपेंड करेगा एक मास क्या है, ठीक है ना, तो किसी को तो मान लो हमारे रिलेशंस वही रहेगा, तो किसी को मान सकते क्या मान लो हमारे क्या मान लो M2 का नीचे मानो सबसे पहले स्ट्रिंग दो स्ट्रिंग है बच्चों, तो स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू। ये स्ट्रिंग वन पे अगर मैं कहूँ कि नीचे आ रहा तो ये पूरी नीचे आ गया, अब मान लो कि ये पूरी नीचे आ गया कितना से तो सिर्फ इस स्ट्रिंग की बात करो बच्चों, सिर्फ इस स्ट्रिंग की ब्लू कलर से जो लाइन खींच कर इसको अगर नीचे पुल किया तो ये पुली क्या जाएगा, कितना से जाएगा एक्सपेंस से या अलग से? सोच के बताना, मैं मान लेता हूँ कि ये एक्स वन डैश है ना, एक्स वन डैश से ऊपर जा रहा है, एक्स वन डैश क्या होगा? एक्स वन होगा टू एक्स वन होगा, ये नीचे आ रहा बच्चों को देखो ये ऐसे आ जाएगा ना, एक्स वन और एक्स वन टू एक्स वन इंगेज होगा, समझना बच्चों मैं कुछ रेडीमेड फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग पार्ट डेवलप कर रहा हूँ। इधर देखो जैसे ही पुल किया इधर स्ट्रिंग चाहिए और इधर, और ये
ऊपर जाकर फ्री करा तो फ्री इतना और आएंगे जितना और रहा है ना, एक्स वन डैश इक्वल टू टू एक्स वन, लिख लिया ये पूरी कितना ऊपर गया है। अब हम व्हाइट कलर वाले पे क्या स्टेप लगाते हैं बच्चों, व्हाइट कलर वाले पे ठीक है सारे बच्चे देखना, ये अभी हमने निकाल लिया कि ये 2x1 है चलेगा, और ये कितना नीचे गया देखो, ये इतना इमेज हुआ 2x1 2x1 4 5 5x, और ये इंगेज हो रहा है क्या हुआ फ्री होगा, दूसरे कलर से लिखता हूँ ये x2 से फ्री हुआ, so x2 is equal to क्या लिखेंगे चमका क्या, so last सवाल दे दूँ तो कर लोगे, तीन स्ट्रिंग ला दे दूँ क्या, कर लिया तो फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है ना। पीछे जाओ फास्ट से जाओ आगे बढ़े तो लास्ट सवाल देखते हैं तुम लोग कर पाते हो नहीं, नहीं मतलब इस टाइप का नहीं क्वेश्चन में तो भी और भी रहा कॉमन सेंस से बताना बच्चों, कितने स्ट्रिंग दे दिया, तीन दे दिया बच्चों, चलो फटाफट इसको बता दो क्या होगा, मान लो तुम को भी लेते हैं तो नीचे सपोज x1 से आ नीचे अगर ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा ऊपर जाएगा, ये सपोज x2 से भी आ ऊपर बच्चे हो बहुत अच्छे से बता सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम स्ट्रिंग 1 2 3 4 x1 = x2 बताना, x2 = 4 x1 = x2 बताना है क्या, 3 1 भगवान ने इतना बड़ा बड़ा दिमाग में यार छोटा सा लगाना, देखो
ये सब बच्चे कर सकते हैं, किसी को ऐसा है ही नहीं, नहीं हो सकता है। सर x2 = 4x1 आ रहा है। सबसे पहले इस स्ट्रिंग पे, पहला स्ट्रिंग पे ये ऊपर जा रहा है, सर ये नीचे आ रहा है, नीचे मान रहा x1 से, ये क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, कितना से 2x1 से, x1 से पक्का ना? अब ये पूरी अगर x1 से ऊपर चला गया तो सेकंड स्ट्रिंग की बात करते हैं, अगर x1 चाहिए 2x1 ऊपर गया है, क्लियर? दैट मींस ये 2x1, ये 2x1, ये पॉइंट फिक्स है, ये क्या हो जाएगा 4x1 इंगेज हुआ तो ये फ्री हो जाएगा, कितना x2, x2 किसके बराबर, चमका क्या आगे बढ़े हैं, यस सर, तो अगले स्ट्रिंग पे लगता जाता है वो कुछ पढ़ाने की चीजें नहीं, मैंने एक बार बता दिया, एक सवाल काफी था, हम तो पांच छह करवा दिया, सुनो ये घर पे जाकर प्रैक्टिस करना, आज ही जाके करना, दो बार सोच एकदम क्लियर कर लेना आज, ओके और नहीं समझ आया तो कल सार को फिर से पूछ लेना, नहीं तो दोस्तों से पूछ लेना, ठीक है? जिसको नहीं समझ में आया दिक्कत हो तो क्या करना, सबसे पहले डिस्कशन अभी तक स्ट्रिंग और ब्लॉक जो मूव कर रहा था वो कैसे मूव कर रहा था, सेम लाइन ऊपर या नीचे, सपोज वो आएंगे तो मूव पे तो क्या होगा, ओके? तो अभी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज आने वाला है, और अभी जो बताऊंगा ना वो थोड़ा सा अच्छे से समझना, तो इस कंसेप्ट को हम आगे भी यूज करेंगे और भी जगह पे बताऊंगा, तो अच्छा सा डायग्राम होना चाहिए मेरे से, अच्छा डायग्राम क्या है? हाँ हवा में, और एम1 सरफेस पे रखा हुआ, ठीक है ना? और इसको तुम अच्छे समझने की कोशिश कर रहा है, इंपॉर्टेंट है इसलिए स्टार मार्क कर देता हूँ। तो ये ब्लॉक जब किधर जा रहा है, ये ब्लॉक किधर मूव करेगा, व्हाट इज द कंस्ट्रेंट? आगे सरफेस पे ना, yes, तो दिया जाएगा कि ये सरफेस पे मूव कर रहा, हो सकता है कि सरफेस छोड़ भी देगा ऊपर का, डिपेंडिंग अपॉन द क्या मासेज है, कितना बना सकती है, लेकिन शुरुआत जो करेगा वो कैसे मूव करेगा, तो लेट्स ये पॉइंट यहां से आगे बढ़ गया, कुछ डिस्टेंस आ गया है, अगर ये आगे जा रहा है बच्चों तो क्या कहोगे, ये ब्लॉक नीचे आएगा, ये चला आया है नीचे, लेट्स x2 मान लिया है ना, क्या ये x1 के बराबर है, ये अलग है, and for the time being ये x axis से तो angle बनना बोले सकता है,
है ना, सेम प्लान है ना, अलग है। जो ब्लॉक का मूवमेंट है वो अलोंग द स्ट्रिंग नहीं, उससे किसी ठीक इस केस में क्या रिलेशन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैसे कंपोनेंट लेंगे वो भी बताता हूँ। x cos theta हमने क्या किया है, x1 is equal to x2 cos theta है ना, उससे बात का जो स्ट्रिंग है वो येलो कलर से ड्रॉ कर लूं, उससे बात का जो स्ट्रिंग है वो ऐसा लगे चलेगा ऐसा ना। तो ये पॉइंट को ले लेता हूँ, ये पॉइंट को ले लेता हूँ, ये पॉइंट को लेस की हम ले लेते हैं, ये पॉइंट को लेते हैं और ये लेते हैं कैलू। तो वो पॉइंट जो है वो आगे बढ़ गया, कहाँ तक आ गया, ओडेस तक आ गया, वो ओडेस जो किया हुआ है वो है। लेकिन अभी मैं बात करूँ वो थोड़ा सा गया, बहुत ज्यादा नहीं गया, इतना क्या है बहुत ही बहुत छोटा है, बहुत छोटा दिखाना हो तो पता नहीं चलेगा सर क्या बना रहे हैं, इसलिए मैंने दिखाने के लिए बड़ा दिखाया, बहुत ओ डैश इज वेरी स्मॉल। तो क्या बताओ कि अगर ओ डैश बहुत छोटा है तो ये क्या है, एंगल एक्यूरेसी, ये बहुत छोटा है, जितना छोटा है तो उतना छोटा ही, बहुत छोटा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है कंपेयर टू दिस, जो OP है that is very large compared to ODS, ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है ना, almost tends to zero। कहानी ये है कि बच्चों के length of the string constant है, length of the string तो एकदम समझना, पहले string का length था कितना OP plus PM और बाद में क्या हो जाएगा, ओडेश हो जाएगा बाद में और प्लस है ना, आई बात समझ में, और दोनों स्ट्रिंग का लेंथ इक्वल है। सो क्या करता हूं अभी, इस ओपी माइनस ओडेश पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना लिख दिया कि तुम लोग परेशान हो जाते हो, अदरवाइज में गायत्री कहता कि इधर स्ट्रिंग पहले इतना था इतना है सर, वो व्यू के बाहर है, इधर से स्ट्रिंग फ्री हुआ है इस साइड से, और इधर पहले इतना था इतना हो गया, मतलब इतना स्ट्रिंग क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे तो दिख रहा है कि इतना है x dash, लेकिन क्या यहाँ x1 है क्या, no, this minus this x1 तो नहीं है ना, तो कितना है वो देखते हैं, वो व्यू के बाहर है सर, वो बोर्ड के बाहर है, यहाँ से क्या किया परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है सारे बच्चे ध्यान देना, आज सीख लिया होगा आज का क्लास सब पढ़ रहे हैं बच्चों, ये 90 डिग्री और ये कैसा, कितना एंगल, ऑलमोस्ट जीरो, तो हाउ मच दिस एंगल इज, ऑलमोस्ट 90, तो ये पॉइंट को ओ डैश को ले लेता हूं, एम तो दे दिया, क्या एम ले लेता हूं है ना सर, हां बोलो, वो व्यू के बाहर जा रहा है थोड़ा, हां व्यू के बाहर जा रहा है, अरे यहाँ पे नहीं होता है ये जो है ना, बेंक्यू वाले ने बहुत तारीफ किया हमारा, ये है तो ठीक है, बेंक्यू खरीद ये सब खरीदे हम ही, और मुझे लग रहा नहीं एलजी का वहां पे बड़ा अच्छा है एलजी का, थोड़ा सा महंगा था, ये वाले ने कहा कि बेंक्यू इज मेड अप फॉर एकेडमिक पर्पस,
ये ज्यादा अच्छा लगा कि वो खरीदा तो जो खरीदते वो अच्छा नहीं लगता छोटा लेकिन जब दूसरा देखे वो लोग रख लेते सर वो समझा नहीं आपने जो बोला वो रिपीट कर दो यार इसमें कुछ बताया नहीं बहुत सिंपल सा बताया स्ट्रिंग का लेंथ कितना था पहले ओपी ओपी देखो ये दिख रहा है क्या ओपी और पीएम ये पीएम लिखा है यस सर बाद में क्या हो जाएगा ओडेस पी प्लस पी अब क्या किया इधर वाले को एक साइड कर दिया इसको इधर लेके आ गया इस तरफ ओपी माइनस ओडेस पी ओपी माइनस ओडेस पी यस सर फ्री वाला है ना और इधर देखो पहले बाद में पीएम डैश है पहले पीएम का उतना स्ट्रीम क्या देगा इंगेज बोलो इक्वल है ये लिखा ना इधर तो दिख रहा है कि ये एक्स डैश है या एक्स पर जो भी माना है समझ माना नहीं है यस सर तो एक्स टू माना था सर ये क्या माना है एक्स टू ये तो एक्स टू है लेकिन इधर दिस माइनस दिस कितना है ये निकाला था और ये एक्स वन तो नहीं है समझ आई का तो अभी हमने क्या किया हमने यहाँ से क्या कर लिया बच्चों परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद क्या कहानी बताया कि ये 90 डिग्री तो है ही क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और ये भी ऑलमोस्ट 90 जो ऑलमोस्ट 90 दैट मींस ये जो ट्रायंगल है सारे बच्चे देखना पी एन ओ डैश ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये इक्वल टू समझ में आया मतलब यहाँ जो ओपी ओपी माइनस ओडेस पी है ओडेस पी को हम लिख सकते हैं क्या पी एन ओडेस पी को पी एन लिख सकते हैं ये इक्वल टू ये कर दिया तो बताना कि फ्री स्ट्रिंग यही है ना स्ट्रिंग फ्लीट कितना है इज इट क्लियर स्ट्रिंग फ्लीट विल बी है ना और ये एंगल कितना है ये है 90 ये एक्स वन यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है बच्चों और ये है बेस तो एक्स वन ये क्वांटिटी कितना हो जाएगा एक्स वन और ये क्वांटिटी कितना है x1 cos theta is equal to नील ना नील ये राइट एंगल ट्रायंगल है अब मैं कितनी बार कहूं ये जो साइड ये हाइपोटेन्यूज तो ये बगल वाला क्या होता cos theta x1 cos theta है ना सर बट आंसर इनकरेक्ट मतलब देखो ये मैंने बताया ना ये सब वर्ड्स x cos theta होता है x sin theta वही चीज है ना आया कैसे 100% अब सारे बच्चे देखना कि इधर क्या है x1 तो string x1 नहीं फ्री हुआ है कितना फ्री हुआ x1 ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम जरूर होना चाहिए मैं बाद में ही बताऊंगा एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे बच्चों तो आ जाएगा v2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा v1 और a2 इज इक्वल टू a1 cos theta इसको बाद में थोड़ा सा बताने के लिए हमेशा ट्रू नहीं होगा a1 इज इक्वल टू a cos theta हमेशा ट्रू नहीं होगा और कब होगा इनिशियल वेलोसिटी इज
सारे बच्चे ध्यान से सुनो, देखो ये पॉइंट किधर मुख पर था, ये पॉइंट से, और ये पॉइंट किधर मुख पर था। देखना बच्चों, अभी तक हम जितने मूवमेंट था स्ट्रिंग के अलोंग था, ये पहला केस लिया जहां पर एक ब्लॉक का वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलोंग नहीं है, किसी एंगल पे है, लेट सी एंगल है, तो इसका वेलोसिटी इधर है, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, v1 cos थीटा। तो हम बच्चों कहेंगे कि ये v1 cos थीटा से स्ट्रिंग फ्री हो रहा है, किस रेट से फ्री हो रहा है, v1 cos थीटा, लाइक ये जा रहा है v1 से, बट फ्री किस रेट से हो रहा है, v1 cos थीटा, v1 cos थीटा। और यहां पे देखो ये क्या हो रहा है, v2 cos थीटा से स्ट्रिंग फ्री हो रहा है, v2 से स्ट्रिंग है ना, v2 से स्ट्रिंग इंगेज हो रहा है, क्या लिखेंगे, v1 cos थीटा। आई बात समझ में, yes, तो अभी मैं कहूं कि वेलोसिटी ले रहा है, वो वेलोसिटी किधर ले रहा है, स्ट्रिंग के अलोंग कितना कंपोनेंट है, स्ट्रिंग के तो किसी पॉइंट पे स्ट्रिंग फ्री होगा, किसी पॉइंट से स्ट्रिंग इंगेज होगा, जिस रेट से फ्री हो रहा उसी रेट से इंगेज हो रहा, क्लियर।
यस क्लियर। अब यही सवाल तुम्हारे बुकलेट में है, बताता हूँ कैसा सवाल है, तुमको देखना कुछ बच्चों ने ट्राई कर दिया होगा, ऐसा कुछ दिया हुआ तुमको बताना है कि हो जाएगा क्या सवाल। एक ब्लॉक ऐसा है और एक ब्लॉक ऐसा है, ये जा रहा है सबको बी वन से और ये एंगल है थीटा वन और ये जा रहा है ये एंगल है थीटा वन। तो V1 V2 में क्या रिलेशन ये निकालना है, V1 V2 में क्या रिलेशन है ये निकालना है। देखो स्ट्रिंग का इधर वेलोसिटी है तो इसका इंटरेक्शन कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इसी रेट से फ्री हो रहा है स्ट्रिंग का लेंथ के लॉन्ग में इतना वेलोसिटी और यहाँ पे वेलोसिटी दे बट हमें इधर चाहिए आई बात समझ में लिख लोगे ये थीटा टू तो ये थीटा टू सर ये तो ऊपर तो ऐसा क्या लग सकता है तो डिपेंड करे आगे बढ़ाओ चलो कल डिस्कशन ले रहे हैं तो ये देखना ये अच्छा सा सवाल हो जाएगा। देखो ये बढ़िया सवाल है, ये भी बुकलेट टाइप कॉमन डॉट है सारे बच्चे पूछते हैं पूछते हैं ये वाला सवाल। तो ये थीटा वन दिया हो तो कैन बी फाइंड कि ये दिस इज थीटा वन थीटा वन ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा थीटा टू। अभी देखना कि यहाँ पे अगर दिमाग लगाते हो तो बताना कहीं से स्ट्रिंग फ्री हो रहा है कहीं से इंगेज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फुली भी मूव कर रहा है यहाँ से फ्री और इंगेज हो ठीक है ना। तो देखते हैं इसका वेलोसिटी इधर v2, इसका इधर v1 और इसका v3। ये थोड़ा टफ सवाल है बच्चों, ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग अगर रहेगा तो फ्री करेगा, अगर स्ट्रिंग के लेंथ से दूर जाएगा तो इंगेज होगा, ये है ना। ये देखो इसका कंपोनेंट किधर है, स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग ये फ्री होगा इधर जाएगा, इसका कंपोनेंट किधर है ये फ्री, और यहाँ पे देखो इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट किधर है, स्ट्रिंग के लेंथ से दूर तो इंगेज ला रही है क्या देवेंद्र देवेंद्र का। चलो देखते यहां से बताओ इधर वाला लिखता हूँ फ्री वाला और इधर लिखता हूँ बाद में शॉर्टकट में बताऊंगा, लेकिन मैं पहले क्या करता हूँ थोड़ा सा दिमाग लगाने में। तो किस रेट से फ्री हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या ये फ्री वाला है और ये वाला और यहाँ भी जा रहा है बच्चों, देखना यहाँ भी तो जा रहा है ना ये स्ट्रिंग का डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन है ठीक है ना। तो ये थीटा वन तो ये थीटा वन नाइन टू मैच थीटा माइनस ये जा रहा है V1 से ऊपर है ना V3 से और इसको जस्ट डॉटेड लाइन दिखा ठीक है ना, और अगर ये थीटा वन कहा तो इसको थीटा वन कहेंगे और इसको कितना कहेंगे ठीक है।
और इसको दूसरा कलर से दिखाता हूँ, इस स्ट्रिंग को भी थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, ठीक है? सो जाएगा ठीक है। अच्छा बताने की जो V3 है, V3 अगर ये ऊपर जा रहा है तो V3 स्ट्रिंग के लेंथ के V3 ये लिखेंगे अभी ना, ये क्या करेगा, ये पीएच करेगा ना, V3 cos 90 का स्क्वायर बन, तो ये इंगेज करेगा ना, तो V3 cos 90 और ये देखना इधर जा रहा है, इसका इधर भी तो कंपोनेंट कर, ये भी स्ट्रिंग से दूरी है ना, यस सर, स्ट्रिंग से अभी जा रहा है, ये भी इंगेज वाला हम लिखेंगे, क्या लिखे हैं, प्लस V3 90 cos थीटा, बोलो सही लिखा क्या, थीटा टू, यस, ये दोनों इंगेज तो क्या ले रहा सर, दोनों इक्वल V1 cos थीटा 1 इक्वल टू V2 प्लस V3 बोलो बच्चों ये समझा क्या सर, ऊपर वाला पार्ट से था, एंगल से समझिए सर, हाँ तो देखो यहाँ पे स्ट्रिंग कैसा ऐसा है ना, ये जो पार्ट मूव करा, ये मूव करा इधर, ये स्ट्रिंग की बात करें तो ये स्ट्रिंग से किधर जा रहा है, इसका कंपोनेंट किधर है, इधर हेलो अवे ना, यस सर, स्ट्रिंग से जैसे इसका इसका कंपोनेंट किधर है, स्ट्रिंग के टुवर्ड्स है ना, इसका देखो इसका दो इधर इधर होता स्ट्रिंग के तरफ, ये फ्री होगा आगे जाकर स्ट्रिंग को फ्री कर लेंगे, स्ट्रिंग इंगेज करें ठीक है ना, तो ब्लू वाली इसका ले आएंगे, ब्लू वाला इसका बढ़ाएं ठीक है, ये बच्चों थोड़ा टफ है, आया क्या समझ में, ये बच्चों स्ट्रिंग वाला हमने हर वैरायटी कर ली, स्ट्रिंग का वैरायटी कर लिया, बाकी को दिमाग लगाना पड़ेगा, अब जो बचा है एक बोलते हैं वेज कंस्ट्रेंट, बुक में लिखा था मैंने जब पढ़ा ये सब कुछ कंस्ट्रेंट पढ़ा लिखा, ये तो खुद से ही करने वाली चीज, इतना दिमाग खुद से लगा सकते, चलो बच्चों तो हम लोग डाउट सेशन ले लेते हैं थोड़ा देर, जिसको लेते हैं तो जेपी ने क्या है, जेपी में असाइनमेंट नहीं सेंड किया था, पीडीएफ जेपी ने किया सर, वो जेपी ने सिखाया था सर, मैंने पूरा था वो अलग पेज वाला, ठीक है फिर से भेजें, तो तीन स्क्वायर हो गया, आइडेंटिकल है मेरा, बड़ा नहीं आइडेंटिकल, एक बार छोटा बन गया, बट आइडेंटिकल है ठीक है ना, ए बी और ये जो एंगल दिया हुआ है, दिस एंगल इज थीटा, थीटा मान लेते हैं ठीक है, ओके बताओ इस सिस्टम इक्विलिब्रियम में, और क्या पूछा, नॉर्मल नॉर्मल पूछा पहला क्वेश्चन, किसके बीच का नॉर्मल, ठीक है ना,
बच्चों यहाँ बताना एन ए लगेगा और यहाँ पे एन बी आइडेंटिकल है तो एन बी को कह सकते हैं कि एन ए के बराबर ही होगा। सिस्टम आइडेंटिकल देख लीजिए सर, कह सकते हैं तुम? अगर किसी को लग रहा है कि नहीं कह सकते तो भी बता दो, आपको कैसे कैसे बताना है। ये अगर थीटा बच्चों तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, एन ए प्लस थीटा। दिस क्लियर? सिमिलरली यहां से देख लेते हैं बच्चों, ये थीटा तो ये थीटा, 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। क्लियर? अब बताना अगर हम इसकी बात करें कि ये एन ए है तो एन ए साइन थीटा इधर लगेगा और एन बी साइन थीटा इधर। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस की अगर बात करें सिस्टम पे, चूंकि ये दोनों थीटा ही है, एन ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन बी साइन थीटा, मतलब एन ए इक्वल टू एन बी। इस एक्सिस के मोशन को कैसे किया? तुम लोग ब्रिलियंट हो गए तो डायरेक्टली कह दोगे इक्वल मिला। अब हम बात करते हैं बच्चों, इसको सिस्टम लेते हैं, तीनों को सिस्टम लेते हैं, एन ए निकालना है। इन तीनों का सिस्टम ले लिया तो एक्सटर्नल फोर्सेस कौन सा है? एन बी मतलब एन ए, एन ए एम जी, कितना है एम जी? तो क्या लिख लेंगे? टू एन ए, टू एन ए cos थीटा इज इक्वल टू 3 एन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 एम जी बाई 2 cos थीटा। बोलो बच्चों ये क्लियर क्या? सर सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर करके नहीं कर सकते थे? यस कर सकते थे ना, तो पर उससे ऑप्शन बी आता है। उससे जब ऑप्शन बी नहीं आएगा, जब इसको कैसे करो तो ये सी इस पे लगाएगा, उसको भी तो कैसे करना पड़ेगा, उसको तो छोड़ दिया होगा, ये भी तो लिखना पड़ेगा ना। एक चीज बताओ, अगर मैं ऐसे करूँ कि ये ट्रायंगल मिला दूं तो ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा? तीनों का सेंटर मिला दिया तो बनेगा, जब इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा तो ये तो इस पर फोर्स लगाएगा तो ये तो इधर टू बार सेंटर लगाएगा, तो ये कितना है? 60 डिग्री। तो अगर मान लो इसको NC बोल दिया, NC निकालना है तो किसका आरबीटी ड्रॉ करें? NC निकालना तो किसका आरबीटी ड्रॉ करें? C ब्लॉक का। तो C का यहाँ से NC, यहाँ से भी NC, तो 2NC, 2NC sin 60 that is equal to mg, इसका मास c का मास c लिख लेते हैं। इज इट क्लियर? यहां से mc निकलेगा और फिर इसको इसका एवरेज ड्रॉ करेंगे। आपने बात समझ में? तो यहां पे जब हम mc इधर लिखेंगे इसका n अलग होगा, अलग डायरेक्शन होगा बच्चों, ये 60 डिग्री पे, ये थीटा एंगल पे है वर्टिकल, और फिर वर्टिकल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसको कैसे करेंगे तब आएगा। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि नहीं? ट्राई नहीं करना तो घर पे ट्राई करना है ना, और मुझे दिखाना वर्क काफी से मिस्टेक्स, क्योंकि इसमें तो नंबर ऑफ मिस्टेक्स काउंट करेंगे, एक किया कि दो किया कि तीन किया है ना, एक किया तो एक घंटा, दो किया तो आया समझ में? तो हम प्रीफर करेंगे एन ए निकालना है तो क्या करेंगे? सिस्टम लेना है, सीखना है, ये लेके करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट इसमें क्या पूछा है? इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय सेंटर ए ऑन ए और बी में, कितना नॉर्मल फोर्स है, ठीक है ना? अब तो हमें मीन वाली बात A ने B पे कितना लगा, तो किसका एबिटी ड्रॉ करना पड़ेगा, या तो A या तो B का करना पड़ेगा कि नहीं? सब B का, इसी का भी ड्रॉ करना, बात बराबर है, ये भी तो आइडेंटिकल है। तो सेकंड केस में दूसरा केस ले लो, इसमें बहुत सारे चीज हो गया, तो
ये बच्चों तो लेट्स सी इस पे ये लगा लो कोई हॉरिजॉन्टल लगाएगा ना लेट्स सी एन डैश लगा ये एन डैश निकालना है और कौन सा फोर्स लग गया है एमजी भी लग गया ना चलिए एनसी लग गया एनसी जो हमें अभी निकाला और ये एनसी जो लग रहा था वो कितने की लग रही है 60 ये 60 मतलब ये 60 डिग्री है ना हॉरिजॉन्टल से 60 तो अब क्या करते हैं इसको कैसे कर लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस ले लेते हैं क्योंकि एनडीएस निकालना है अलोंग एक्स एक्सिस तो एक और फोर्स शूट है कौन सा फोर्स एमजी लेकिन एमजी का अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें अलोंग एक्स एक्सिस का तो एक फोर्स है एनडीएस एनडीएस साइन प्लस एनसी ना एनसी इधर एनसी का भी एनसी कॉस 60 बहुत बढ़िया है क्या है और एनए साइन थीटा और नेट फोर्स क्या होना चाहिए जीरो एनडीएस निकालना है ना इधर इधर की तरफ एनए साइन थीटा अब बताना बच्चों के लिए थीटा जो है थीटा को कम करते जाऊं समझना है थीटा को क्या करते जाऊं तो ऐसे लग रहा है कि ऐसे कम करते 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 नीचे की इसका टेंडेंसी को दूर जाने का स्मूथ सरफेस होगा कि नहीं बताना कि थीटा कम से कम क्या हो कि ये इक्विलिब्रियम में रहे थोड़ा उससे छोटा रहेगा क्या रहेगा ठीक है एकदम से सूचना देंगे आई बात समझ में यस तो टाइम थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों टाइम थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये 2 चला गया टाइम थीटा इक्वल टू 1 / दिस इज द मिनिमम थीटा सो दैट द 3 ब्लॉक्स विल रिमेन टुगेदर अदरवाइज क्या आ जाएगा इससे कम थीटा का हो गया दूसरा सब्स्टिट्यूट ये क्लियर ये तो तीसरा सवाल जो है ना वो बड़ा अच्छा है जिसे इसने लिखा था देखो नीचे देखो किसी ने पढ़ा है क्या इतना अच्छा साइन इतना अच्छा बनाया सर ने कंडीशन ऑफ थीटा दैट विल प्रिवेंट अलाइनमेंट फ्रॉम मिनिमम थीटा पर लास्ट वाला पार्ट अरे काम सीधा जब ऐसा सोचो ना कि इसको कम करते जाओ इंफ्लेशन कम करते जाओ तो ये क्या नीचे आना शुरू नहीं करेगा दूर जा रहा मतलब यहाँ का कांटेक्ट जीरो हो जाएगा छूटने वाला मतलब नॉर्मल जीरो हो जाएगा ये नॉर्मल फोर्स निकाला ना यस इसको क्या कर दिया जीरो निकल गया ठीक है तो आज के लिए इतना ही यस
है।